She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. और वे मुझे एक छोटे से उद्यान में ले गई जहाँ पे बांस की बनी हुई कुर्सियाँ थी and potted plants, गमलों में plants लगे हुए थे all around and left me. और मुझे वे वहाँ छोड़ के चले गए. The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. और वह वृद्ध महिला वहाँ पे कुर्सी पे बैठी थी, व्हील चेयर थी उनकी, चक्कों वाली जो कुर्सी होती है उस पे वो बैठी थी और उनके हाथ उनकी गोदी में थे. शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिंड इन टू अ विस्पी बन और उन्होंने एक सफ़ेद बाल हैं उनके और जूड़ा सा बना रखा है और बहुत अच्छी तरह से कॉम्बिंग नहीं हुई हुई, बाल बहुत अच्छी तरह बने हुए नहीं हैं, इस तरीके से जूड़ा बना रखा है. She was gazing out at the garden. और वो गार्डन की तरफ देख रही हैं. Hello, I said. मैंने कहा hello. She turned and looked up at me vacantly. उन्होंने मेरी तरफ देखा और उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था. Vacantly, बिना भाव के उन्होंने मुझे देखा. Happy Christmas, Connie, I went on. I found this. I think it's yours. और मैंने उन्हें क्रिसमस विश किया, कहा हैप्पी क्रिसमस और कहा कि मुझे लगता है यह आपका है, शायद मुझे यह मिला. As I was speaking, her eyes never left my face. मैं जब बात कर रहा था तो उनकी नज़रें मेरे चेहरे पर ही टिकी थी. I opened the tin box and gave it to her. मैंने वह डिब्बा उन्हें दे दिया. That was a moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. और उस समय उनके चेहरे पर जो भाव आया वह देखने लायक है. Eyes lit up with recognition, उनकी आँखों में वो पहचान गई, जैसे मानो वह उस पत्र को पहचान गई या डिब्बे को पहचान गई. एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस और उनके चेहरे पर एक विशेष प्रकार की चमक आ गई. आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने उन्हें उस डेस्क के बारे में समझाया, बताया. अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, मुझे वो किस प्रकार मिली ये मैंने उन्हें बताया. But I don't think she was listening. लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह कुछ सुन रही थी. For a while, she said nothing. पल दो पल उन्होंने कुछ भी नहीं कहा. But stroked the letter tenderly with her fingertips. परंतु अपने पत्र को टेंडरली, बहुत ही नाजुकता से, जैसे कोई बहुत छोटा बच्चा हम उसको पकड़ते हैं, उसको सहलाते हैं, उस तरीके से वह पत्र को देखती रही, उसको उंगलियों से इस प्रकार से यूँ छूती रही वो बहुत सॉफ्टली. फिंगर टिप्स, ये हमारे फिंगर टिप्स, दिस इज़ आर फिंगर टिप. सो वो उसको पत्र को इस तरीके से छू करके महसूस कर रही है. सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, तभी उसने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे हाथ को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया. हर आईज वो फिल्ड विथ टीयर्स, और उसकी आँखों में आंसू थे. यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, एंड हियर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम Closer, Jim dear, sit down. उसने मुझे जिम कह करके पुकारा और कहा कि हाँ, तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस पर घर आओगे और तुम आ गए और यही मेरे लिए क्रिसमस का सबसे बेहतर उपहार है. आ जाओ मेरे पास बैठो. I sat down beside her and she kissed my cheek. मैं उनके पास बैठ गया और उन्होंने मुझे क्रिसमस विश किस करके दी. I radio letter so often, Jim, every day. I wanted to hear your voice in my head. और मैं तुम्हारी आवाज़ सुनती थी, सुनती हूँ. It always made me feel you here or you were with me. और मुझे हमेशा यही महसूस हुआ कि तुम मेरे साथ हो. And now you are. और देखो तुम हो मेरे साथ. Now you are back. You can read it to me yourself. और तुम अपना पत्र मुझे खुद पढ़ करके सुनाओ. Would you do that?
फॉर मी जिम डियर, और क्या तुम मेरे लिए करोगे जिम ऐसा? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारी आवाज़ में ही तुम्हारा पत्र, तुम्हारी भावनाएँ सुन करके। एंड देन परहैप्स वील हैव सम टी, और मैं तो उसके बाद हम लोग चाय लेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, माजिपान, एंड वही हम लोग खाएंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, माजिपान ऑल अराउंड, और मैंने केक बनाया है फिर से एक वैसा ही, और उस पर बहुत ही अच्छा माजिपान, जो क्रीम ऊपर लगती है केक के ऊपर, क्रीमी क्रीमी, वह मैंने बहुत अच्छे से लगा करके बनाया है। आई नो हाउ मच यू लव माजिपान, मुझे पता है कि तुम्हें ये माजिपान बहुत पसंद है, ऊपर का जो कोटिंग है केक की वो तुम्हें बहुत अधिक पसंद है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा किस तरीके से यह जो गिफ्ट है उसके लिए बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट बन जाता है, और वह वृद्ध महिला बहुत ही खुश हो जाती है।